हेलो गाइस, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। 13 किलोमीटर दूर था हॉस्पिटल और खतरे में जान थी। एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने एम्बुलेंस में ही उस महिला की जान बचाई। वो कहाँ पर जान बचाई और वो कर्मचारी कौन है और ये न्यूज कहाँ की है, ये घटना कहाँ पर हुई, वो हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहे और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। अगर वीडियो ज्यादा अच्छी लगी, न्यूज ज्यादा अच्छी लगी तो प्लीज जाते जाते एक कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ में एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। ये मामला मध्य प्रदेश के गुना जिले का है, जहां पे कमलेश बाई नाम की एक औरत प्रेग्नेंट थी और उसको अचानक से ही बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो गया। तो उसकी फैमिली वाले ने 108 नंबर मतलब कि एम्बुलेंस को वहां पर तुरंत बुलाया और जब वो वहां पर पहुंचे तब वहां पर देखा कि उस जगह से हॉस्पिटल 13 किलोमीटर दूर है। तब वहां पर उस गर्भवती महिला को एम्बुलेंस में डाल के वहां पर हॉस्पिटल के लिए वो लोग निकले। जब वो 5 किलोमीटर दूर तक पहुंचे तब उस महिला को अचानक से काफी ज्यादा पेन होनी स्टार्ट हो गई और उस कर्मचारी ने जो एम्बुलेंस के अंदर था, जो उस महिला को उस वक्त ऑपरेट कर रहा था, उस वक्त उसने देखा कि वो काफी ज्यादा दर्द से तड़प रही है। तभी उसने एक डिसीजन ऐसा लिया कि वो यहीं पे एम्बुलेंस में उसकी डिलीवरी करेगा और उस कर्मचारी का नाम है राजीव बुनकर। राजीव बुनकर ने ऐसे ही वहां पर डिलीवरी नहीं कर दी। अगर आप सोच रहे होंगे कि वहां पर फैमिली वाले भी थे या कुछ भी, किसी की परमिशन नहीं ली होगी, जब वो एम्बुलेंस में उस महिला को लेकर जा रहे थे तब उस वक्त उनकी फैमिली वाले भी उनके साथ थे। जब उनकी फैमिली वालों ने और उस कर्मचारी ने उस महिला को बहुत ज्यादा दर्द में देखा तब उसने सबसे पहले उसकी फैमिली वाले वालों को उसके हस्बैंड से बात किया और उनसे पहले परमिशन ली कि ये अभी हॉस्पिटल काफी दूर है और हम इनकी डिलीवरी यहीं पे कर सकते हैं। काफी ज्यादा बात के बाद तो उनकी फैमिली वहां पर मान गई और उसके बाद उन्होंने एम्बुलेंस में ही उस महिला की डिलीवरी की। डिलीवरी के बाद उस महिला ने 2 सुंदर बच्चों को जन्म दिया जो कि जुड़वा बच्चे हुए थे उनके। और उसके बाद जब हॉस्पिटल वालों से बात की गई तब हॉस्पिटल वाले बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे कि हमारे एम्बुलेंस में जो कर्मचारी थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया और उसके साथ ये भी बताया था कि अगर कुछ भी ऑन द वे कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग इनको इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग दे देते हैं कि ये उस प्रॉब्लम को उसी एम्बुलेंस में हैंडल कर पाए और ये इन्होंने कर दिखाया है। सो गाइज, अगर आप ये न्यूज़ सुन के बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि एम्बुलेंस तो वैसे तो जान बचाती है, जब भी आपको कुछ भी ऐसा सीरियस मैटर हो तो हमें सिर्फ एक ही बात याद आती है, एक ही नंबर याद आता है, वो है 108, क्योंकि 108 एम्बुलेंस का नंबर है और तुरंत वो पहुंच जाती है। जो भी नजदीक का हॉस्पिटल होता है वो कोशिश करते कि जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचाए और उसके बाद अगर नहीं पहुंचा पाए तो वहां पर अंदर ही एम्बुलेंस में काफी सारी ऐसी फैसिलिटीज होती है जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, जैसे कि इस के लिए फायदेमंद हुई। और ऊपर से अगर ऐसा कोई इंसान वहां पे हो जो ऑपरेट अच्छे से कर पाए तो किस्मत ही अच्छी होगी, तभी इस महिला को ऐसे एम्बुलेंस और ऐसे कर्मचारी मिले जो कि इनकी डिलीवरी वहां पर हुई। अगर आप लोगों को आज की न्यूज अच्छी लगी है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर हमारी न्यूज अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक ठोकते हुए जाइए और अगर अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहे और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचा पाए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।